तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर का एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक जो क्वेश्चन से वो सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 को कम्प्लीट कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक जो क्वेश्चंस दिया गया है वो सारे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है। क्वेश्चन में बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। यहां पर जो इनइक्वालिटीज हम लोगों को दिया गया है ये सारे इनइक्वालिटीज को हम लोगों को सॉल्व करना है ग्राफिकली। ग्राफिकली मीन्स ग्राफ ड्रॉ करके ही हम लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए एक एक करके सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को दिया गया है देखिए एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखिए यहां पर कभी कभी क्वेश्चन में यहां पर दो इनइक्वालिटीज आप लोगों को देके ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा, या दो से ज्यादा तीन भी देके भी कहा जा सकता है आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। आपको क्या करना है, जितना भी इनइक्वालिटीज आप लोगों को मिले सारे इनइक्वालिटीज को एक एक ग्राफ में ड्रॉ करना है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर एग्जाम में मिस्टेक करते हैं, मान लीजिए यहां पर दो इनइक्वालिटी दिया गया है, स्टूडेंट्स क्या करेंगे अलग अलग दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ऐसा नहीं करना है। जितना भी इनइक्वालिटीज आप लोगों को देके सॉल्व करने के लिए कहा जाए आपको क्या करना है, सारे इनइक्वालिटीज को एक ही ग्राफ में ड्रॉ करना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी यहां पर देखिए इनइक्वालिटीज को ग्राफ में कैसे ड्रॉ किया जाता है ये हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 में अच्छी तरह से समझा है। तो अगर आपने 6.2 का वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार देख के ही इस वीडियो को देखें। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन हो लेस देन हो, हम लोगों को क्या करना है, इसको एज ए लाइन मतलब एज ए इक्वल टू देके ही हम लोगों को ड्रॉ करना है। तो चलिए सोल्यूशन शुरू करते हैं। सोल्यूशन के स्टार्टिंग में ही हम लोग लिखेंगे फर्स्ट वी ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन्स। तो यहां पर इसको हम लोग इक्वल टू देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स इक्वल टू 3, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में हम लोग इक्वल टू देंगे तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 2। तो पहले तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करना है। तो यहां पर हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस बना लेंगे, तो मैंने यहां पर x एक्सिस बना दिया और यहां पर मैंने y एक्सिस बना दिया। अब यहां पर हम लोग नाम दे देंगे x डैश ओ एक्स और y एक्सिस को नाम दे देंगे y ओ y डैश। अभी x इक्वल टू 3 ड्रॉ करना है मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन में हम लोगों को 3 यूनिट जाना है, तो 3 यूनिट जाके यहां पर हम लोगों को x इक्वल टू 3 लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना है, और इस तरफ ऐसे एरो लगा के यहां पर हम लोगों ने a नाम दे दिया और इस तरफ एरो लगा के हम लोगों ने यहां पर b नाम दे दिया। तो x इक्वल टू 3 लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास y इक्वल टू 2 मतलब पॉजिटिव y डायरेक्शन में हम लोगों को 2 यूनिट जाना है, तो 1 और 2। तो यहां पर अभी हम लोग इस 2 पॉइंट में हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ऐसे हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर लिया, ऐसे इस तरफ डायरेक्शन लगा के हम लोगों ने सी नाम दे दिया और इस तरफ डायरेक्शन लगा के हम लोगों ने डी नाम दे दिया। अभी देखिए यहां पर दोनों लाइन को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को कॉमन रीजन मार्क करना है। कॉमन रीजन मार्क करना है, कॉमन रीजन मतलब वो रीजन जो दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे उस रीजन को हम लोगों को मार्क करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारा पहला इनइक्वालिटी क्या था, हमारा पहला इनइक्वालिटी था आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ओरिजिन पुट करेंगे। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है आपका x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। ओरिजिन मतलब ये जो ओ है इसको ओरिजिन हम लोग कहते हैं। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो यहां पर सिर्फ x वेरिएबल है तो हम लोग क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ x हम लोग 0 पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अभी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये तो फॉल्स हो रहा है। दैट मीन्स जब हम लोगों ने ओरिजिन इस इनइक्वालिटी में पुट किया तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब इस एबी लाइन का लेफ्ट साइड का पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो लेफ्ट साइड का पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा मतलब इसका राइट साइड का पॉइंट ही सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोगों ने इसका राइट साइड में इस तरह से एक एरो लगा दिया, मतलब इस लाइन का राइट साइड ही होगा आपका सोल्यूशन रीजन। अभी ऐसे हम लोग मार्क नहीं करेंगे, हम लोगों को कॉमन रीजन मार्क करना है।
अभी आप आइए सेकंड इनइक्वालिटी में। सेकंड इनइक्वालिटी क्या है? सेकंड इनइक्वालिटी आपका वाई ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, इसमें हम लोग इन प्लेस ऑफ वाई जीरो पुट करेंगे, तो यहां पर तो एक्स नहीं है इसलिए हम लोग डायरेक्टली वाई के प्लेस में जीरो पुट करेंगे, तो यह हो जाएगा आपका जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू टू। अब ये तो देखिए जीरो टू से बड़ा या टू के इक्वल है तो ये सही सही नहीं कर रहा है। दैट मीन्स यहां पर सेकेंड इनइक्वालिटी में जब हम लोगों ने वाई का वैल्यू जीरो पुट किया, मतलब ओरिजिन जब पुट किया तो सही सही नहीं क्या है। दैट मीन्स सी डी का ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, उल्टा होगा। उल्टा होगा मतलब ऊपर की तरफ डिरेक्शन हो जाएगा। तो अभी यहां पर एबी एबी देखिए एबी का एबी लाइन का राइट साइड बोल रहा है सोल्यूशन रीजन और सी डी बोल रहा है इसका ऊपर की तरफ। तो अभी हम लोगों को कॉमन रीजन मार्क करना है। कॉमन रीजन देखिए एबी का राइट साइड, एबी का राइट साइड मतलब ये पूरा पर्सन, ये इस तरह से पूरा पर्सन हमारे पास है, पर सी डी बोल रहा है नीचे वाला पर्सन नहीं आएगा, तो नीचे वाला पर्सन नहीं आएगा, सिर्फ एबी का राइट साइड मतलब ये वाला पर्सन, ये पूरा पर्सन आना चाहिए, पर सी डी बोल रहा है सिर्फ ऊपर वाला पर्सन, तो ऊपर वाला पर्सन मतलब ये जो पर्सन मैं मार्क कर रहा हूं, ये जो पर्सन मैंने मार्क किया है ये क्या हो गया, ये हमारा कॉमन रीजन हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारा कॉमन रीजन हो गया, और ये कॉमन रीजन आपका दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ही ये कॉमन रीजन जो मैंने यहां पर मार्क किया ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन रीजन। अभी हम लोगों को नीचे लिखना है किस तरह से हम लोगों ने यह सोल्यूशन रीजन मार्क किया, तो एक एक करके यहां पर हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री इज द स्ट्रेट लाइन एबी। एबी बोथ साइडेड एरो लगाएंगे, मतलब एबी बोथ साइडेड एरो मतलब बोथ साइड में जा रहा है। इफ यू पुट एक्स इक्वल टू जीरो देन द इनइक्वालिटी डज नॉट सेटिस्फाई, सेटिस्फाई नहीं हुआ था। सो द रीजन राइट हाफ प्लेन मतलब एबी का राइट साइड ऑफ द लाइन एबी बार एलोंग विथ एबी बार, मतलब एलोंग विथ एबी बार मतलब एबी लाइन के ऊपर में जो पॉइंट है वो भी सोल्यूशन रीजन में आएगा, रिप्रेजेंट्स द सोल्यूशन रीजन। अगर यहां पर सिर्फ ग्रेटर देन और सिर्फ लेस देन हो तो उस केस में हम लोग एलोंग विथ एबी नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि एबी लाइन के ऊपर में जो पॉइंट्स थे वो सॉल्यूशन रीजन में नहीं आता है, और उस केस में हम लोगों को लाइन भी डॉट डॉट लाइन देना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर लिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू टू इज द स्ट्रेट लाइन सी डी बार। इफ यू पुट y इक्वल टू जीरो देन द इनइक्वालिटी डज नॉट सेटिस्फाई, सेटिस्फाई नहीं हुआ था। सो द रीजन अपर साइड हम लोग मार्क करेंगे, ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं किया, दैट मीन्स ओरिजिन के उल्टा साइड मार्क करेंगे, तो अपर हाफ प्लेन ऑफ द लाइन सी डी बार एलोंग विथ सी डी बार रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन रीजन। उसके बाद हम लोग लिखेंगे द कॉमन रीजन विच सेटिस्फाइज बोथ द इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन रीजन, इन द अबव फिगर द शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन रीजन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर वन का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। आप लोगों को पहले तो ऊपर में आप लोगों को या फिर राइट साइड में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, और लेफ्ट साइड में ये सारे थ्योरी को आप लोगों को लिखना है। ठीक है, अगर आप थ्योरी नहीं लिखेंगे तो आपको सिर्फ एक मार्क ही मिलेगा। आपको थ्योरी अच्छी तरह से लिखना है, किस तरह से आप लोगों ने ग्राफ को ड्रॉ किया ये आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट, अभी हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर टू में यहां पर देखिए हम लोगों को तीन इनइक्वालिटीज को दिया गया है, तो हम लोग यहां पर इनइक्वालिटीज को एज ए इक्वालिटी मतलब एज ए लाइन ड्रॉ करेंगे। तो उससे पहले हम लोगों को लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट यू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन्स। तो फर्स्ट यू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन्स, देखिए इक्वल टू दे दिया तो ये हो गया 3x plus 2y is equal to 12, और सेकंड इनइक्वालिटी हो गया आपका x equal to 1, और थर्ड इनइक्वालिटी हो गया आपका y equal to 2। अब ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो लाइन है, इसको ये जो इक्वेशन है इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लेना लेके जाना पड़ेगा। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है ये हम लोगों ने समझा एक्सरसाइज 6.2 में। अभी यहां पर हम लोग डायरेक्टली इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लेकर जाने के लिए हम लोगों को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो 3x plus 2xy divided by 12 is equal to 12 divided by 12। सो दिस इंप्लाइज यहां पर हम लोग सेपरेट करेंगे, तो 3x by 12 ये हो जाएगा आपका x divided by 4, then plus 2y by 12 ये हो जाएगा आपका y divided by 6 is equal to 12 by 12 ये हो जाएगा आपका 1, और x equal to 1 और y equal to 2 हम लोग तो आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। अभी यहां पर हम लोगों को इनइक्वालिटीज को यहां पर इक्वलिटी बनाना था, हम लोगों ने बना लिया। उसके बाद इस इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो हम लोगों ने यहां पर कन्वर्ट कर दिया। अभी यहां पर हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाना है, तो हम लोगों ने वाई एक्सिस बना दिया, एक्स एक्सिस बना दिया। एक्स एक्सिस को नाम दे देंगे हम लोग एक्स डैश ओ एक्स, और वाई एक्सिस वाई ओ वाई डैश। अभी पहला इनइक्वलिटी क्या है, देखिए एक्स बाई फोर वाई बाई सिक्स पहला लाइन है, x बाई फोर वाई बाई सिक्स मतलब x का पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट जाना है, और एट द सेम टाइम y का पॉजिटिव डायरेक्शन में 6 यूनिट जाके ही यहां पर हम लोगों को लाइन को ड्रॉ करना है। तो 4 यूनिट जाना है मतलब 1 2 3 4 ये है 4,
सिक्स यूनिट जाना है, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 6 यूनिट्स। अभी हम लोग यहां पर पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, पॉइंट्स को यहां पर ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला लाइन, और इसको अभी हम लोग नाम दे देंगे ए, और इस तरफ हम लोगों ने बी नाम दे दिया। तो पहला लाइन को ड्रॉ कर लिया। सेकंड है हमारा x=1, तो x=1 मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 यूनिट जाना है, तो x का पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 यूनिट जाना है, मतलब ये हो गया हमारा 1 यूनिट। और इसको हम लोग अभी नाम दे देंगे, इस लाइन को हम लोग नाम दे देंगे सीडी। उसके बाद y=2, मतलब पॉजिटिव y डायरेक्शन में हम लोगों को 2 यूनिट जाना है, तो ये 2 यूनिट हो गया। तो इस पॉइंट के ऊपर हम लोगों को लाइन ड्रॉ करना है, तो हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर लिया और इसको नाम दे दिया हम लोगों ने ईएफ। तो अभी यहां पर हम लोगों को सोल्यूशन रीजन मार्क करना है। सोल्यूशन रीजन मार्क करना है मतलब कॉमन रीजन जो कि तीनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, उस रीजन को मार्क करना है। उसके लिए यहां पर हम लोग एक एक करके यहां पर ओरिजिन पुट करेंगे। जैसे कि पहला इनइक्वालिटी क्या है, देखिए पहला इनइक्वालिटी है 3x + 2xy < 12। इसमें आप जब 0 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 + 0 < 12। 3 x का वैल्यू 0 मतलब 3 × 0 = 0, देन +2 y का वैल्यू 0 मतलब 2 × 0 = 0। तो अल्टीमेटली 0 + 0 < 12, तो अल्टीमेटली हो जाएगा आपका 0 < 12। अब ये तो ट्रू है, मतलब ओरिजिन पुट करने के बाद सेटिस्फाई किया है। तो ए बी जो लाइन है, ये हमारा पहला लाइन है। तो इस लाइन में जब हम लोगों ने इस इनइक्वालिटी में जब ओरिजिन पुट कर सेटिस्फाई किया है, दैट मींस ए बी लाइन का ओरिजिन की तरफ ही होगा आपका सोल्यूशन रीजन। इस लाइन का ओरिजिन की तरफ ही हो जाएगा आपका सोल्यूशन रीजन, ठीक है। अभी दूसरा इनइक्वालिटी में आइए, सेकंड इनइक्वालिटी है हमारे पास x > 1। अभी इसमें जब हम लोग 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 > 1। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये तो फॉल्स है। दैट मींस ओरिजिन का उल्टा साइड, तो दैट मींस सीडी लाइन का उल्टा साइड मतलब ओरिजिन का ऑपोजिट साइड, मतलब इस तरफ हो जाएगा आपका सोल्यूशन रीजन। अब थर्ड इनइक्वालिटी देखिए क्या है, y > 2। अभी इसमें जब हम लोग 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 > 2। अब ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ओरिजिन का उल्टा साइड होगा। तो ये का ओरिजिन साइड मतलब नीचे की तरफ, ओरिजिन का उल्टा साइड मतलब ऊपर की तरफ होगा, तो ऊपर की तरफ मतलब इस तरफ हो जाएगा आपका सोल्यूशन रीजन। अभी देखिए, अभी हम लोगों को कॉमन रीजन मार्क करना है। अभी देखिए सीडी बोल रहा है इस तरफ, ए बी बोल रहा है इस तरफ, मतलब ये जो पर्सन है इस तरफ, ये पर्सन को हम लोगों को लेना है, पर ये बोल रहा है ऊपर की तरफ। तो सीडी का राइट साइड ए बी का बिलो पर्सन और ये का ऊपर वाला पर्सन, मतलब ये जो पर्सन है ये पर्सन हो जाएगा हमारा कॉमन पर्सन। ये जो पर्सन मैंने यहां पर मार्क किया है, ये पर्सन हो जाएगा हमारा कॉमन पर्सन, और ये पर्सन ही हमारा सोल्यूशन रीजन। और ये जो रीजन मैंने मार्क किया, ये रीजन क्या है, ये रीजन ही है हमारा सोल्यूशन रीजन। अभी इस सोल्यूशन रीजन पाने के लिए हम लोगों ने क्या क्या काम किया, वही हम लोगों को नीचे लिखना है। अब ये जो बातें देखिए, ये जो बातें मैंने यहां पर समझाने के लिए मैंने राफ वर्क किया, यह आप लोगों को राफ वर्क आप लोगों को राइट साइड में करना है। अगर नहीं करके आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा बात है। मैं यहां पर समझाने के लिए यहां पर इस तरह से राफ वर्क करके आप लोगों को समझाया, अगर राफ वर्क ना करके आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा बात है। चलिए यहां पर अभी हम लोगों को यहां पर लिख लेना है थ्योरी पोर्शन को। तो थ्योरी में यहां पर हम लोग लिखेंगे द ग्राफ ऑफ 3x + 2y = 12 इज द स्ट्रेट लाइन ए बी बार, इज द स्ट्रेट लाइन ए बी बार मीन्स बोथ साइडेड एरो, ए बी बार मीन्स बोथ साइडेड एरो। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इफ यू पुट x = 0 y = 0 देन द इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हुआ था। सो द रीजन लोअर हाफ ऑफ द लाइन ए बी बार अलोंग विथ ए बी बार रिप्रेजेंट्स द सोल्यूशन रीजन। तो पहला इनइक्वालिटी का काम हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद सेकंड इनइक्वालिटी में आइए। अभी मेरे ख्याल से यहां पर मैं पढ़ के यहां पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप यहां पर आराम से पढ़ के समझ सकते हैं सारे, आपने प्रैक्टिकल को समझ लिया, अभी थ्योरी आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप थ्योरी को ऐसे वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं यहां पर पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर देखिए हम लोगों को 2 इनइक्वालिटीज दिया गया है, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहां पर ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हम लोग सॉल्यूशन के शुरू में ही लिखेंगे फर्स्ट वी ड्रॉ द स्ट्रेट लाइंस। तो पहला इनइक्वालिटी क्या है, 2x + y > 6 है, हम लोगों ने = 6 दे दिया। अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, इसको इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x + y / 6 = 6/6। सो दिस इंप्लाइज अभी 2x/6 लेफ्ट साइड में 2x/6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x / 3 देन + y/6
इज इक्वल टू वन, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। सेकंड इनइक्वालिटी को जब हम लोग इक्वल टू देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, इसको अभी हम लोगों को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो बोथ साइड हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 4y डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 12 बाई 12 इज इक्वल टू 12 बाई 12। अभी लेफ्ट साइड में हम लोग यहां पर अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x बाई 12 करेंगे तो यह हो जाएगा आपका x बाई 4, देन प्लस 4y बाई 12 करेंगे तो यह हो जाएगा आपका y बाई 3 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। तो इतना तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी यहां पर हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम लोगों ने यहां पर x एक्सिस को यहां पर बना लिया और y एक्सिस को भी यहां पर दे दिया। अभी हम लोग नाम दे देंगे x डैश ओ x y ओ y डैश हम लोगों ने नाम दे दिया। अभी पहला इनइक्वालिटी है, देखिए पहला लाइन है x x बाई 3 y बाई 6 इक्वल टू 1, तो मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन में हम लोगों को 3 यूनिट जाना है और पॉजिटिव y डायरेक्शन में हम लोगों को 6 यूनिट जाना है। तो 1 2 3 और 6 यूनिट मतलब 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आपका 6 पॉइंट और ये हो गया आपका 3 पॉइंट, दोनों को हम लोग अभी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला लाइन, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पहला लाइन, इसको हम लोग नाम दे देंगे ए और इसको हम लोग नाम दे देंगे बी। सेकंड डे हमारा देखिए एक्स बाई 4 वाई बाई 3, मतलब एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट जाना है तो 4 यूनिट यहां पर ये हो जाएगा, और y का पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट जाना है तो ये हो गया हमारा 3 यूनिट। तो अभी हम लोग दोनों पॉइंट को यहां पर कुछ इस तरह से यहां पर ज्वाइन कर लेंगे और अभी हम लोग नाम दे देंगे सी और इस तरफ हम लोग नाम दे देंगे डी। तो हम लोगों ने नाम दे दिया, अभी हम लोगों को कॉमन रीजन मार्क करना है। अब देखिए पहला इनइक्वालिटी क्या है, पहला इनइक्वालिटी आपका 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो इसमें जब हम लोग 0 0 पुट करेंगे तो अल्टीमेटली ये पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब ये तो ट्रू नहीं है, ये तो फॉल्स है, दैट मीन्स एबी का ओरिजिन की तरफ नहीं उल्टा दिख, एबी का ओरिजिन की तरफ नहीं उल्टा साइड हो जाएगा आपका, उल्टा साइड ही यहां पर हम लोग मार्क करेंगे। तो एबी का ओरिजिन की तरफ नहीं उल्टा साइड, मतलब ओरिजिन का उल्टा साइड अपोजिट साइड, मतलब इस तरफ हम लोगों को लेना है। अब सेकंड इनइक्वालिटी में आइए, सेकंड इनइक्वालिटी क्या है, देखिए सेकंड इनइक्वालिटी है थ्राइस एक्स प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, इसमें हम लोग जब 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो ये देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब CD का ओरिजिन की तरफ मतलब इस तरफ हो जाएगा आपका सोल्यूशन रीजन, इस तरफ हो जाएगा आपका सोल्यूशन रीजन। तो अभी हम लोगों को कॉमन रीजन लेना है, तो AB का इस तरफ और CD का इस तरफ मतलब कॉमन रीजन, देखिए कौन सा पर्सन आ रहा है, कॉमन रीजन कौन सा पर्सन आ रहा है, ये हम लोगों को लेना है। तो यहां पर अगर आप अच्छी तरह से देखें तो ये जो रीजन देखिए, ये एबी का इस तरफ और सीडी का इस तरफ, मतलब ये जो पर्सन है इस पूरा पर्सन होगी हो जाएगा हमारा, ये जो पूरा पर्सन में मार्क कर रहा हूं ये पूरा पर्सन ही हो जाएगा हमारा सोल्यूशन रीजन। अभी यहां पर हम लोगों को सोल्यूशन रीजन मिल गया, अभी यहां पर हम लोगों को लिख लेना है, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे। देखिए पहला इनइक्वालिटी में पुट करने के बाद सेटिस्फाई नहीं हुआ था और सेकंड इनइक्वालिटी में पुट करने के बाद सेटिस्फाई हो गया था, तो सेटिस्फाई नहीं हुआ था इसलिए हम लोगों ने इस तरफ मार्क किया, और सेकंड इनइक्वालिटी में सेटिस्फाई हो गया था इसलिए हम लोगों ने बिलो पर्सन मतलब ओरिजिन की तरफ मार्क किया था। अभी यहां पर आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, द ग्राफ ऑफ दिस इज द स्ट्रेट लाइन दिस एबी बार, इफ यू पुट एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 देन सेटिस्फाई नहीं हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, आप हाफ प्लेन मार्क किया, उसके बाद एलोंगुइथ भी लिखना है क्योंकि इक्वलिटी लेस देन इक्वल टू था, ठीक है। उसके बाद इसका भी आप लोगों को लिखना है, सीडी के बारे में भी आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद कॉमन रीजन हम लोगों ने मार्क किया, उसके बाद अबव फिगर में जो शेडेड रीजन है वही है हमारा सॉल्यूशन रीजन। तो इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हम लोगों को दो इनइक्वालिटी दिया गया है, पहला इनइक्वालिटी में तो ग्रेटर देन इक्वल टू है पर सेकंड इनइक्वालिटी में देखिए सिर्फ लेस देन है, दैट मीन्स सेकंड इनइक्वालिटी का जब हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन को हम लोग एज ए डॉट डॉट लाइन ही देंगे, क्योंकि इसका लाइन का ऊपर में जो पॉइंट है वो सोल्यूशन रीजन में नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ लेस देन है। तो सिर्फ लेस देन या सिर्फ ग्रेटर देन हो तो उस केस में हम लोगों को जब लाइन ड्रॉ करना है तो लाइन को एज ए डॉट डॉट लाइन ही ड्रॉ करना है। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं, पहले तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट वी ड्रॉ द स्ट्रेट लाइंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अभी इसको हम लोगों को इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4 बाई 4। अभी लेफ्ट साइड में यहां पर हम लोग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा x बाई 4
प्लस वाई डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू फोर बाई फोर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका वन। तो पहला लाइन को यहां पर हम लोगों ने इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अभी सेकंड लाइन क्या है, देखिए सेकंड लाइन है 2x माइनस वाई लेस देन जीरो, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, देखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, वाई को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये अल्टीमेटली हो जाएगा 2x इक्वल टू वाई। तो यहां पर देखिए 2x इक्वल टू वाई हो गया। अभी हम लोगों को यहां पर x एक्सिस और y एक्सिस बनाना है, तो यहां पर हम लोगों ने x एक्सिस बना दिया और यहां पर हम लोगों ने y एक्सिस बना दिया। यहां पर हम लोग x एक्सिस को नाम दे देंगे x डैश ओ x और y एक्सिस को नाम दे देंगे y ओ y डैश, तो हम लोगों ने नाम दे दिया। अभी पहला लाइन क्या है, देखिए x बाई फोर वाई बाई फोर इक्वल टू वन, तो x का पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट्स जाना है और y का पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट जाना है। तो यहां पर अभी हम लोगों को ये दोनों पॉइंट को एज ए लाइन ज्वाइन कर लेना है। तो यहां पर हम लोगों ने दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लिया और अभी यहां पर हम लोगों को नाम दे देना है, तो यहां पर हम लोगों ने नाम भी दे दिया, यहां पर हम लोगों ने नाम भी दे दिया। अभी सेकंड लाइन क्या है, देखिए सेकंड लाइन है आपका 2x इक्वल टू वाई। अभी इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह का इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एज्यूम करके ही ड्रॉ करना है। मतलब यहां पर हम लोग x का कुछ वैल्यू एज्यूम करेंगे, अकॉर्डिंगली y का वैल्यू हम लोगों को कुछ मिलेगा एंड उसके बाद हम लोगों को ड्रॉ कर लेना है। तो यहां पर देखिए x मैंने यहां पर राफ वर्क करके एक टेबल बना लिया। अगर आप टेबल ना बना के कर सकते तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। तो यहां पर आप टेबल ना बना के भी कर सकते हैं। तो मैं यहां पर समझाने के लिए एक टेबल बना लिया। x का वैल्यू यहां पर मैंने मान लिया, सपोज x का वैल्यू जीरो, तो x का वैल्यू जब हमने जीरो माना है तो इसमें देखिए टू इंटू जीरो, मतलब y का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। x का वैल्यू अगर आप वन मानेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, टू इंटू वन, y का वैल्यू हो जाएगा आपका टू। x का वैल्यू अगर आप टू मानेंगे तो टू इंटू टू फोर, y का वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू आपने टू माना, y का वैल्यू फोर। x का वैल्यू थ्री मानेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा आपका सिक्स। सिमिलरली अगर आप x का वैल्यू माइनस वन मानेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए टू इंटू माइनस वन, y का वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस टू। x का वैल्यू माइनस टू मानेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा आपका टू इंटू माइनस टू, हो जाएगा आपका माइनस फोर। x का वैल्यू माइनस थ्री मानेंगे तो उसके इसमें y का वैल्यू टू इंटू माइनस थ्री, हो जाएगा आपका माइनस सिक्स। ऐसे करके यहां पर आप और भी वैल्यू मान सकते हैं, ठीक है। अभी आपको ड्रॉ करना है, देखिए x जीरो वाई जीरो, मतलब ये ओरिजिन पॉइंट, x वन वाई टू, x टू वाई फोर, x थ्री वाई सिक्स, ऐसे करके देखिए इस तरफ जाएगा, ठीक है, इस तरफ ऐसे जाएगा। सिमिलरली x का वैल्यू माइनस वन, y का वैल्यू माइनस टू, मतलब ये वाला पॉइंट, x का वैल्यू माइनस टू, y का वैल्यू माइनस फोर, मतलब ये वाला पॉइंट, ऐसे करके इस तरफ जाएगा। अभी हम लोगों को सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, पर जब हम लोग ज्वाइन करेंगे एज ए डॉट डॉट लाइन ही देंगे, ठीक है। तो डॉट डॉट लाइन यहां पर हम लोगों को देना है, ये बात आपको याद रखना है, ये बात आपको याद रखना है। मेरा यहां पर लाइन थोड़ा सा तड़ा हो गया क्योंकि मैं यहां पर ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूं। आपको जब आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो ये पूरा स्ट्रेट ही होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं अभी नाम दे दूंगा, इस तरफ सी दे दिया और इस तरफ मैंने डी दे दिया। अभी हम लोगों को कॉमन रीजन मार्क करना है, हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को कॉमन रीजन मार्क करना है। अब देखिए उसके लिए पहला जो इनइक्वालिटी है इसमें हम लोग जीरो जीरो पुट करेंगे। तो पहला इनइक्वालिटी है एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, जीरो जीरो मतलब ओरिजिन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ है। दैट मीन्स एबी लाइन का ओरिजिन की तरफ नहीं, उल्टा साइड हो जाएगा हमारा सोल्यूशन जीरो, मतलब इस तरफ हम लोग एरो लगा दिया। अब नेक्स्ट इसमें आइए, इसमें देखिए हमारा सेकंड इनइक्वालिटी क्या है, सेकंड इनइक्वालिटी है टू एक्स माइनस वाई लेस देन जीरो। अब इसमें जब आप जीरो जीरो पुट करेंगे तो जीरो लेस देन जीरो, तो इससे आप कुछ बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो आप अभी क्या करेंगे, इस तरह का केस में आप क्या करेंगे, दैट मीन्स इसमें ये जो देखिए ये सेकंड लाइन जो है ये ओरिजिन से ही पास हुआ है, तो ओरिजिन पुट करके हमको कुछ फायदा नहीं हो रहा है। अभी इस तरह का केस में हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का केस में हम लोग इस लाइन का नीचे की तरफ या फिर ऊपर से एक पॉइंट ले लेंगे, आइदर बिलो साइड या फिर अपर साइड से एक पॉइंट ले लेंगे। आप किसी भी साइड से आप पॉइंट ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को लिया है और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका 2.0, मतलब इसमें एक्स का वैल्यू है आपका 2 और वाई का वैल्यू है आपका 0। तो एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 0 हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो क्या है इनइक्वालिटी, देखिए इनइक्वालिटी है आपका ट्वाइस एक्स माइनस वाई लेस देन 0, एक्स का वैल्यू 2 मतलब ये हो जाएगा आपका 4 और y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 लेस देन 0। तो अल्टीमेटली देखिए 4 माइनस 0 मतलब 4 लेस देन 0, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। दैट मीन्स x ये जो लाइन है इस लाइन के इस तरफ नीचे की एक पॉइंट लिया, नीचे से हम लोगों ने एक पॉइंट लिया और ये पॉइंट जब हम लोगों ने इनइक्वालिटी में पुट किया सेटिस्फाई नहीं हुआ है। दैट मीन्स इस पॉइंट ने सेटिस्फाई नहीं किया है,
आप कोई भी पॉइंट लेके पुट कर सकते हो, सर इसमें नहीं करेगा। दैट मीन्स ये जो सी डी है, सी डी लाइन का नीचे वाले पर्सन से कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, दैट मीन्स हम लोग ऊपर की तरफ डिरेक्शन लगा देंगे। आप मान लीजिए किसी एक स्टूडेंट्स ने ऊपर से एक पॉइंट लिया, आप मान लीजिए आपने नीचे का पॉइंट ना लेके आपने ऊपर का पॉइंट लिया, तो ऊपर का पॉइंट लिया मतलब मान लीजिए आपने इस पॉइंट को लिया, अब ये जो पॉइंट इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0.2। अभी ये 0.2 आप इसमें पुट करिए, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4, इसमें पुट करिए 2 × 0 देन -4 < 0, दैट मीन्स अल्टीमेटली -4 < 0। देखिए ये ट्रू हो रहा है, ये ट्रू हो रहा है मतलब इस साइड से इस पॉइंट को लेके आपने जब पुट किया सेटिस्फाई क्या है, दैट मीन्स इस पॉइंट ने सेटिस्फाई किया मतलब सभी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स आप इस तरफ डिरेक्शन लगा देंगे। तो जिस साइड से आप पॉइंट लेके काम करेंगे, अगर उस साइड का पॉइंट पुट करने के बाद सेटिस्फाई करे तो उस साइड में डिरेक्शन लगा देंगे, अगर सेटिस्फाई नहीं करे तो ऑपोजिट की तरफ डिरेक्शन लगा देंगे। ऐसा नहीं है आपको इस तरफ का पॉइंट लेके इसे इस तरह का पॉइंट लेके दोनों साइड का पॉइंट लेके काम करना है, नहीं आपको सिर्फ किसी एक साइड का पॉइंट लेके ही काम करना है। तो हमको इस लाइन का ऊपर की तरफ डिरेक्शन मिल गया और इस एबी लाइन का इस तरफ डिरेक्शन मिला है। अभी कॉमन रीजन को हम लोगों को मार्क करना है, तो कॉमन रीजन देखिए एबी बोल रहा है इस तरफ और सीडी बोल रहा है इस तरफ, दैट मीन्स कॉमन रीजन मतलब ये जो रीजन में मार्क कर रहा हूं ये रीजन हो गया हमारा कॉमन रीजन, ये रीजन हो गया हमारा कॉमन रीजन। अभी जब हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर अभी हम लोगों को जो ग्राफ ड्रॉ किया उसमें हम लोगों को लिखना है, तो क्या लिखेंगे देखिए, पहले तो यहां पर एज इट इज लिख लेना है और यहां पर हम लोगों ने x इक्वल टू 2 पुट करके चेक किया ना, तो यहां पर आप x इक्वल टू 2 कर देंगे और अलोंग विद सीडी के केस में अलोंग विद नहीं आएगा क्योंकि सीडी लाइन आपका डॉट डॉट लाइन है, बट मीन सीडी का लाइन के ऊपर में जो पॉइंट है वो सोल्यूशन रीजन में नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहां पर अलोंग विद नहीं लिखा है। बाकी आप अकॉर्डिंगली वीडियो को पॉज करके थ्योरी को लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दोनों में यहां पर सिर्फ ग्रेटर देन दिया गया है, ग्रेटर देन या लेस देन दोनों में देखिए, पहला इनिक्वालिटी आपका ग्रेटर देन और सेकंड इनिक्वालिटी में सिर्फ लेस देन दिया गया है। तो हम लोगों को जब हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ में दोनों लाइन को हम लोगों को एज ए डॉट डॉट लाइन ही देना है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आपने ग्राफ में एज ए डार्क लाइन ड्रॉ कर लिया तो पूरा ग्राफ आपका मिस्टेक हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट वी ड्रॉ द स्ट्रेट लाइंस, 2x - y = 1। अब इसको हम लोगों को इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाना है, तो हम लोग लिखेंगे दिस इंप्लाइज एक्स डिवाइडेड बाई ये जो 2 है इसको हम लोग नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 देन प्लस, यहां पर प्लस दे दिया तो इस माइनस को हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस को हम लोग वाई के नीचे लिख लेंगे -1 = 1। तो पहला लाइन हम लोगों ने इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया पहला लाइन को, एंड सेकंड लाइन क्या है देखिए, सेकंड लाइन है हमारे पास x - 2y = -1, तो इसको अभी हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, -1 है, इसको हम लोगों को 1 बनाना है, दैट मीन्स -1 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा x - 1 देन -(+2y)/1 = 1। सो दिस इंप्लाइज एक्चुअली यहां पर -1 से हम लोगों ने डिवाइड किया इसलिए -(+) हो गया, सो दिस इंप्लाइज x - 1 + ये 2 को हम लोग y के नीचे लेके आएंगे तो y / 1/2 = 1। तो दोनों लाइन को हम लोगों ने इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अभी यहां पर हम लोगों को सॉल्यूशन रीजन मार्क करना है, उससे पहले हम लोगों को ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हम लोगों को यहां पर x एक्सिस और y एक्सिस बना रहना है, तो यहां पर हम लोगों ने x एक्सिस बना लिया और y एक्सिस को भी यहां पर हम लोगों ने बना दिया। ठीक है, यहां पर हम लोग नाम दे देंगे y, o, y' और x एक्सिस को नाम दे देंगे x' o, x। अभी पहला लाइन है देखिए, x की तरफ हाफ जाना है और y की तरफ -1 जाना है, तो x हाफ मतलब मान लीजिए ये 1 है तो ये हाफ हो जाएगा और y की तरफ -1 मतलब ये पॉइंट मान लीजिए -1, तो यहां पर अभी हम लोग इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके यहां पर हम लोग पूरा थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे और हम लोग नाम दे देंगे b, नाम दे दिया और इस तरफ हम लोग नाम दे देंगे a। अब सेकंड में आइए, x - 1 मान लीजिए ये -1 है और y हाफ मान लीजिए ये आपका 1 यूनिट है तो ये हो जाएगा आपका हाफ यूनिट, तो अभी हम लोगों को ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है, तो हम लोगों ने दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, अभी हम लोगों ने CD नाम दे दिया। अभी यहां पर हम लोगों ने एक मिस्टेक किया, जो बात मैं हमेशा बोलता हूं वही मिस्टेक मैंने यहां पर आपको कराया, क्या मिस्टेक, हमको डॉट डॉट लाइन ही देना था पर हमने यहां पर डार्क लाइन दे दिया, तो ये पूरा मिस्टेक हो गया।
यही मिस्टेक आप एग्जाम में करेंगे। तो मैं यहाँ पर मिस्टेक आपको कराया, उसके बाद आपको याद दिलाने के लिए भी मैं खुद से यहाँ पर मिस्टेक किया, ताकि आपको यहाँ पर इस तरह का मिस्टेक एग्जाम में नहीं करना है। तो ये पूरा गलत हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइन को हम लोगों को डॉट डॉट लाइन ही देना था, पर हमने यहाँ पर डार्क लाइन दे दिया, तो ये पूरा गलत हो गया। तो अभी हम लोगों को फिर से ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसे ही रखूंगा ताकि आपको एग्जाम में याद हो। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया, एक्स डैश ओ एक्स, वाई ओ वाई डैश। ध्यान रखिए, फिर से हम लोगों को मिस्टेक नहीं करना है। एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन में हाफ और वाई का माइनस वन, तो एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ये वन यूनिट मान लीजिए, तो ये हाफ हो जाएगा। वाई का माइनस वन मतलब ये पॉइंट माइनस वन मान लीजिए। तो यहाँ पर अभी हम लोगों को दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है, पर एज ए डॉट डॉट लाइन ही यहाँ पर हम लोगों को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर मैंने डॉट डॉट लाइन दे दिया, इस केस में हम लोगों को मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए नाम दे दिया, और इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके हम लोगों ने बी नाम दे दिया। सेकंड है आपका, देखिए एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन मतलब ये हो जाएगा, मान लीजिए ये एक्स माइनस वन है, और वाई हाफ मान लीजिए ये वन यूनिट है, तो हाफ यूनिट ये हो जाएगा। तो अभी हम लोगों को डॉट डॉट लाइन देके ही ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डॉट डॉट लाइन दे दिया, और इस तरफ डी दे दिया, और इस तरफ मैंने सी दे दिया। अभी हम लोगों को सॉल्यूशन रीजन मार्क करना है। देखिए पहला इनइक्वालिटी क्या है, देखिए पहला इनइक्वालिटी है आपका ट्वाइस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन वन। तो इसमें जब हम लोग जीरो जीरो पुट करेंगे तो जीरो ग्रेटर देन वन, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ओरिजिन का उल्टा साइड हो जाएगा। तो ए बी कहाँ है, ए बी यहाँ पर है, तो ओरिजिन का उल्टा साइड मतलब इस तरफ, ओरिजिन का उल्टा साइड मतलब इस तरफ हो जाएगा आपका सॉल्यूशन रीजन, इस तरफ हो जाएगा आपका सॉल्यूशन रीजन। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट यहां पर हम लोग सेकंड में पुट करेंगे। देखिए सेकंड क्या है, देखिए एक्स माइनस ट्वाइस वाई लेस देन माइनस वन। इसमें जब हम लोग जीरो जीरो पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जीरो लेस देन माइनस वन। तो ये तो देखिए जीरो माइनस वन से छोटा है, तो ये छोटा तो नहीं है, गलत है, जीरो माइनस वन से छोटा नहीं है। दैट मीन्स ये भी सेटिस्फाई नहीं किया है, दैट मीन्स सी डी का ओरिजिन की तरफ नहीं, सी डी यहां पर है, देखिए सी डी ओरिजिन मतलब नीचे की तरफ, तो ओरिजिन की तरफ नहीं है क्योंकि सेटिस्फाई नहीं हुआ है, दैट मीन्स ऊपर की तरफ हम लोग मार्क कर देंगे। तो ए बी का नीच और सी डी का ऊपर मतलब ये जो पर्सन है, ये जो दोनों लाइन का ये जो पर्सन है, ऐसे यहां पर मेरा यहां पर थोड़ा सा कम स्पेस कम पड़ गया, ये जो पर्सन है इस पर्सन ही हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन रीजन। ये जो पर्सन है हमारा कॉमन रीजन, और ये पर्सन ही हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन रीजन। अभी यहां पर ध्यान रहिए, ध्यान आपको एक बात और रखना है, जब आप थ्योरी को लिखेंगे तो उस केस में आपको एलोंगुइट नहीं लिखना है, क्योंकि लाइन के ऊपर में जो पॉइंट है वो आपका सॉल्यूशन रीजन में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोनों केस में हम लोगों को एलोंगुइट नहीं लिखना है, ये बात आपको याद रखना है, और बाकी वीडियो को पॉज करके आप बाकी थ्योरी को अच्छी तरह से लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में यहां पर देखिए दोनों में लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो हम लोगों को डार्क लाइन ही ड्रॉ करना है। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहां पर हम लोग शुरू में लिखेंगे, फर्स्ट वी ड्रॉ द स्ट्रेट लाइंस। पहला इनइक्वालिटी आपका एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू है, हम लोगों ने इक्वल टू दे दिया। अभी इसको हम लोगों ने इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है हम लोगों को, तो यहां पर हम लोग सिक्स से डिवाइड कर देंगे, तो एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई सिक्स इज इक्वल टू सिक्स बाई सिक्स। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका एक्स डिवाइडेड बाई सिक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई सिक्स, सिक्स बाई सिक्स हो जाएगा आपका वन। तो पहला इनइक्वालिटी को हम लोगों ने यहां पर कन्वर्ट कर लिया। अभी सेकंड इनइक्वालिटी आपका एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, तो इसको हम लोगों को लाइन ड्रॉ करना है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर। अभी हम लोग क्या करेंगे, फोर से बोथ साइड डिवाइड करेंगे, तो एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू फोर बाई फोर। सो दिस इंप्लाइज एक्स डिवाइडेड बाई फोर प्लस वाई डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू फोर बाई फोर, ये हो जाएगा आपका वन। तो दोनों इनइक्वालिटी को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, सॉरी दोनों इनइक्वालिटी को हम लोगों ने एज ए लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अभी हम लोगों को ड्रॉ करना है, तो यहां पर हम लोगों ने एक्स एक्सिस बना दिया और हम लोगों ने वाई एक्सिस बना दिया। तो हम लोग नाम दे देंगे एक्स डैश ओ एक्स, वाई ओ वाई डैश, हम लोगों ने नाम दे दिया, हम लोगों ने नाम दे दिया। अभी पहला लाइन है एक्स सिक्स वाई सिक्स, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में सिक्स यूनिट जाना है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और ऊपर में भी सिक्स यूनिट जाना है, थ्री फोर फाइव सिक्स। तो अभी हम लोग यहां पर ज्वाइन कर लेंगे दोनों पॉइंट को, तो यहां पर हम लोगों ने कुछ इस तरह से ज्वाइन कर लिया, और हम लोग यहां पर अभी नाम भी दे देंगे ए, और इस तरफ हम लोग एरो लगा के बी नाम दे दिया। सेकंड में देखिए एक्स फोर वाई फोर, तो एक्स फोर ये फोर यूनिट है, और वाई फोर ये फोर यूनिट है, तो दोनों पॉइंट को हम लोगों को ज्वाइन कर लेना है,
तो यहाँ पर हम लोगों ने दोनों पॉइंट को कुछ इस तरह से ज्वाइन कर लिया, इस तरफ हम लोग डी दे देंगे और इस तरफ हम लोगों ने सी दे दिया। अभी हम लोगों को सॉल्यूशन रीजन मार्क करना है। तो पहला इनइक्वालिटी आपका x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, इसमें जब हम लोग 0 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो ये तो ट्रू हो रहा है, मतलब ए बी का ओरिजिन की तरफ, ए बी का ओरिजिन की तरफ मतलब इस तरफ हो जाएगा आपका सॉल्यूशन रीजन। नेक्स्ट सेकंड इनइक्वालिटी आपका x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसमें जब हम लोग 0 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये तो देखिए ट्रू नहीं हो रहा है, ये तो फॉल्स है। तो दैट मीन सी डी का ओरिजिन का उल्टा साइड, मतलब इस तरफ, अभी ये भी बोल रहा है इस तरफ, सीडी बोल रहा है इस तरफ, मतलब कॉमन रीजन। तो कॉमन रीजन मतलब ये जो रीजन है, ये जो रीजन में यहां पर मार्क कर रहा हूं, ये जो रीजन है ये रीजन ही हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन रीजन, क्योंकि ये रीजन ही आपका कॉमन रीजन है। अभी सॉल्यूशन रीजन कैसे मिला है अभी हम लोगों को लिख लेना है। तो यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे, जो बात यहां पर हम लोग हमेशा लिखते हैं वही बात यहां पर आपको लिख लेना है, बाकी यहां पर आप आराम से लिख सकते हैं। और कैसे यहां पर हम लोगों को लिखना है ये बात मैंने 6.2 में पूरा चित्र समझाया। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। दोनों में यहाँ पर आपको एलोंग विथ लिखना है, क्योंकि लाइन दोनों आपका डार्क लाइन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी यहाँ पर हम लोगों को दो इनइक्वालिटीज दिया गया है और दोनों में ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो यहाँ पर हम लोगों को सोल्यूशन करना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फर्स्ट वी ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन्स 2x + y इक्वल टू 8, तो इसको हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x + y 8 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 8/8। तो लेफ्ट साइड में हम लोग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x/4 + y/8 इज इक्वल टू 8/8 हो जाएगा आपका 1। सेकंड इनइक्वालिटी है आपका x + 2xy इज इक्वल टू 10, तो यहां पर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x + 2xy/10 इज इक्वल टू 10/10। सो दिस इम्प्लाइज, तो लेफ्ट साइड में यहां पर हम लोग अलग करेंगे तो हो जाएगा आपका x/10 + y/5 इज इक्वल टू 10/10, तो ये हो जाएगा आपका 1। तो दोनों लाइन को हम लोगों ने इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अभी हम लोगों को ड्रॉ करना है, तो दोनों को यहां पर डार्क लाइन ही ड्रॉ करना है क्योंकि इक्वल टू भी है। तो यहां पर हम लोगों ने एक्स एक्सिस दे दिया और वाई एक्सिस भी दे दिया। हम लोग एक्स एक्सिस को नाम दे देंगे x'OX और y एक्सिस को नाम दे देंगे y o y dash। अभी x का पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट और y का पॉजिटिव डायरेक्शन में 8 यूनिट जाना है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों को यहां पर हम लोगों को ज्वाइन कर लेना है, तो यहां पर हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया और हम भी अभी हम लोग नाम दे देंगे ए बी, यहां पर हम लोगों ने नाम भी दे दिया। नेक्स्ट x10 y 5, तो एक्सटेंड देखिए और भी जाना पड़ेगा, तो यहां पर हम लोग एक्सटेंड कर देंगे इस लाइन को, कुछ इस तरह से एक्सटेंड कर देंगे 4 5 6 7 8 9 10, तो एक्सटेंड करके यहां पर हम लोगों ने एक्स दे दिया और वाई का डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट जाना है और ये है आपका एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन में 10 यूनिट। तो दोनों पॉइंट को यहां पर हम लोगों को ज्वाइन कर लेना है, तो यहां पर हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया। इस तरफ हम लोग एरो लगा के डी नाम दे देंगे और इस तरफ एरो लगा के हम लोग सी नाम दे देंगे। तो दोनों लाइन को यहां पर हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया। अभी यहां पर हम लोगों को क्या करना है, सॉल्यूशन रीजन देना है। अब देखिए पहला इनइक्वालिटी में हम लोग 0 0 पुट करेंगे, तो 2x + y > 8, तो इसमें जब हम लोग 0 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 > 8, दैट मीन्स सेटिस्फाई नहीं हुआ है, दैट मीन्स ए बी का ओरिजिन की तरफ नहीं, उल्टा दिख, उल्टा साइड मतलब इस तरफ। ठीक है, तो इस तरफ हम लोगों ने एरो लगा दिया। अभी सेकंड में देखिए, सेकंड है हमारा x + 2xy > 10, तो इसमें जब हम लोग 0 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 > 10, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ है, दैट मीन्स ओरिजिन का उल्टा साइड ही यहां पर हम लोगों को मार्क करना है, तो सीडी का उल्टा साइड मतलब इस तरफ। अभी देखिए ए बी इस तरफ बोल रहा है, सीडी इस तरफ बोल रहा है, दैट मीन्स कॉमन रीजन हमको लेना है। तो कॉमन रीजन मतलब ये जो रीजन में यहां पर अभी मार्क कर रहा हूं, ये रीजन ही हो गया हमारा कॉमन रीजन। ये जो रीजन हम लोगों ने यहां पर मार्क किया, ये रीजन ही हो जाएगा हमारा कॉमन रीजन। तो ये रीजन ही हो जाएगा हमारा कॉमन रीजन, दैट मीन्स यही है हमारा सॉल्यूशन रीजन। अभी यहां पर हम लोगों को यहां पर थ्योरी में लिख लेना है और थ्योरी मेरे ख्याल से आप आराम से लिख सकते हैं। दोनों का अपर साइड लिखना है, तो यहां पर आप लोगों को वीडियो को पॉज करके यहां पर लिख लेना है। दोनों केस में सेटिस्फाई नहीं हुआ था और दोनों केस में हम लोगों को अपर हाफ प्लेन ही यहां पर लिख लेना है, एलोंग विद भी लिखना है क्योंकि दोनों में इक्वल टू भी है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं।
पर ध्यान रहे एक बात आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए सेकंड इनइक्वालिटी में आपको सिर्फ ग्रेटर देन दिया गया है, दैट मींस इसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो डॉट डॉट लाइन आपको देना है। और यहां पर ये जो कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये क्यों दिया गया है ये हम लोग ग्राफ में समझेंगे, ठीक है। जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसमें हम लोगों को ये बात हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वी ड्रॉ द स्ट्रेट लाइंस, इसको हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 9 बाई 9। सो अभी लेफ्ट साइड में हम लोग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x बाई 9 प्लस वाई बाई 9, और राइट साइड में 9 बाई 9 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। और सेकंड इनइक्वालिटी को हम लोग इक्वल टू देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू x, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन के प्लेस में यहां पर हम लोग इक्वल टू दे देंगे तो ये जगह आपका y इक्वल टू x। अभी इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को एज्यूम करके ही ड्रॉ करना है। जैसे कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया इस तरह का लाइन को आप लोगों को एज्यूम करके ही ड्रॉ करना है। तो यहां पर हम लोग x का वैल्यू कुछ एज्यूम कर लेंगे, अकॉर्डिंगली y का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा, उस पॉइंट को हम लोगों को ग्राफ में ड्रॉ करना है। तो x 0 मानेंगे, y 0 हो जाएगा, x 1, y 1, x 2, y 2, x 3, y 3, ऐसे करके आप अगर आप नेगेटिव वैल्यूज मानेंगे, मान लीजिए आपने x का वैल्यू माइनस 1 चूज किया तो y का वैल्यू भी माइनस 1 मिलेगा, x का वैल्यू माइनस 2, y का वैल्यू माइनस 2, x का वैल्यू माइनस 3, y का वैल्यू भी आपको माइनस 3 ही मिलेगा। अभी आपको यहां पर ग्राफ ड्रॉ करना है, तो यहां पर चलिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने x एक्सिस बना दिया और मैंने यहां पर y एक्सिस भी बना दिया, यहां पर नाम दे देंगे x डैश ओ x y ओ y डैश। पहला लाइन है देखिए, x का पॉजिटिव डायरेक्शन 9 यूनिट्स और y का पॉजिटिव डायरेक्शन 9 यूनिट्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस तरफ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अभी दोनों पॉइंट को हम लोग यहां पर ज्वाइन कर लेंगे, तो दोनों पॉइंट को यहां पर हम लोगों को ज्वाइन कर लिया, इस तरह से ज्वाइन कर लिया। अभी हम लोग नाम दे देंगे ए और बी, नाम दे दिया। अभी देखिए ये लाइन डॉट डॉट लाइन नहीं होगा, ये डार्क लाइन होगा, क्योंकि यहां पर इक्वल टू भी है, यहां पर लेस देन इक्वल टू है, इसलिए यहां पर हम लोगों ने डार्क लाइन ड्रॉ किया। और सेकंड लाइन जब हम लोग ड्रॉ करेंगे इसको हम लोगों को डॉट डॉट लाइन ही देना है, क्योंकि यहां पर सिर्फ ग्रेटर देन है। तो यहां पर x0 y0 मतलब ये पॉइंट, x1 y1 मतलब ये पॉइंट, x2 y2 मतलब ये पॉइंट, x3 y3 मतलब ये पॉइंट, पूरा इस तरफ ऐसे जाएगा, ऐसे इस तरफ जाएगा। सिमिलरली x-1 y-1 x-2 y-2 x-3 y-3 इस तरफ ऐसे जाएगा। तो अभी हम लोगों को सारे पॉइंट को यहां पर एज ए डॉट डॉट देके ही ज्वाइन कर लेना है, ऐसे डॉट डॉट देके ही यहां पर सारे पॉइंट को कुछ इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। तो ज्वाइन कर लिया, अभी हम लोग नाम दे देंगे सी और इस तरफ एरो लगा के हम लोग नाम दे देंगे डी। तो अभी हम लोगों को सॉल्यूशन रीजन मतलब कॉमन रीजन मार्क करना है। तो पहला इनइक्वालिटी क्या है, देखिए पहला इनइक्वालिटी है एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9। तो इसमें जब हम लोग 0 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 लेस देन इक्वल टू 9, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ए बी का ओरिजिन की तरफ हम लोग मार्क करेंगे, तो ए बी का ओरिजिन की तरफ मतलब इस तरफ हम लोग मार्क कर देंगे। सेकंड में ये देखिए, सेकंड में जब आप 0 0 पुट करेंगे मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू x, इसमें जब आप 0 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 ग्रेटर देन 0। ये लाइन देखिए 0 से ही पास हुआ है, तो 0 0 पुट करके आपको कुछ मतलब अंदाजा नहीं होगा किस तरफ आपको मार्क करना है। तो ऐसे केस में हमको क्या करना है, अगर लाइन ओरिजिन से ही पास हो जाता है तो ऐसे केस में हमको लाइन का नीचे से या फिर ऊपर से एक पॉइंट लेके ही काम करना है। मान लीजिए यहां पर मैंने ऊपर से एक पॉइंट लेके काम करना चाहता हूं मैं, तो मैं मान लीजिए ये पॉइंट ले रहा हूं और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0 2 मतलब x 0 y 2। तो यहां पर आप पुट करिए y 2 ग्रेटर देन x 0, तो ये तो देखिए ट्रू सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस तरफ का एक पॉइंट लेके सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस तरफ हम लोग एरो लगा देंगे। अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो उल्टा साइड हम लोग एरो लगाते। अब देखिए ए बी का इस तरफ और सी डी का इस तरफ, ए बी का नीचे की तरफ और सी डी का इस तरफ ऊपर की तरफ, ए बी का नीचे की तरफ और सी डी का ऊपर की तरफ ही यहां पर हम लोगों को लेना है। तो देखिए यहां पर आप लोगों को ध्यान में एक बात रखना है, क्या बात रखना है, देखिए सीडी का इस तरफ और ए बी का इस तरफ लेना है, मतलब ये पूरा पोर्शन आप ले लेंगे, ये पूरा पोर्शन आप ले लेंगे। पर एक बात यहां पर ध्यान रखना है, एक बात ये जो बात है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब एक्स आपको पॉजिटिव लेना है। तो अगर आप ऐसे देखिए मैं यहां पर मार्क कर लेता हूं, पहले तो यहां पर मार्क कर लेता हूं, ये हमारा सोल्यूशन रीजन है। यहां पर देखिए आप ये जो वाई एक्सिस का लेफ्ट साइड या फिर एक्स एक्सिस का ऊपर वाले ये जो पोर्शन है,
ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को आपको नहीं लेना है। अगर ये कंडीशन नहीं होता तो उस केस में आपको ये पूरा पोर्शन आप मार्क करते, ये पूरा पोर्शन आप मार्क करते। पर यहां पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x पॉजिटिव लेना है। तो अगर आप इस पोर्शन को ले लेंगे तो इस पोर्शन में कोई भी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x नेगेटिव आके ऊपर में उठना पड़ेगा, और अगर नीचे के पॉइंट हो तो x नेगेटिव आके नीचे y का नीचे जाना है। तो इस साइड का कोई भी पॉइंट, ये साइड का कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट में एक्स नेगेटिव हो जाएगा, पर हमको तो एक्स नेगेटिव नहीं लेना है। दैट मीन्स इस साइड का कोई भी पॉइंट नहीं आएगा, दैट मीन्स ये जो पोर्शन है ये पोर्शन हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन रीजन। हालांकि ये बात अगर नहीं होता, ये कंडीशन अगर नहीं होता तो उस केस में हम लोग पूरा पोर्शन को ही मार्क करते। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए यहां पर अभी हम लोग कंडीशन को यहां पर लिख लेते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने सेकेंड इनइक्वालिटी में पर्सन को मार्क करने के लिए यहां पर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 कंसिडर करके ही लिखा है, ठीक है। तो उस केस में जब हम लोग x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा मतलब उल्टा साइड हम लोग मार्क करेंगे। तो ये बात मैंने यहां पर लिखा है। अगर आप यहां पर ये बात को लिखेंगे x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2 जो हम लोगों ने कंसिडर किया है उसको अगर आप लिखेंगे x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2 तो उस केस में आप लिखेंगे देन द इनइक्वालिटी डज नॉट ना लेके सेटिस्फाई कर रहा है, तो देन द इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाई। सो द रीजन अपर हाफ, रीजन अपर हाफ ऑफ द प्लेन, बाकी सभी पॉइंट एज इट इज आप लिख लेंगे। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए यहां पर हम लोगों को 3 इनइक्वालिटी दिया गया है। तो एक एक करके यहां पर हम लोग सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहां पर हम लोग लिखेंगे फर्स्ट वे ड्रॉ द स्ट्रेट लाइंस। पहला इनइक्वालिटी है देखिए 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 हम लोगों ने दे दिया। अभी इसको हम लोगों को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 5x प्लस 4y 20 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 20, 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई 20। सो दिस इंप्लाइज 5x बाई 20 ये हो जाएगा आपका x डिवाइडेड बाई 4 देन प्लस 4y बाई 20 ये हो जाएगा आपका y डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 20 बाई 20 ये हो जाएगा आपका 1, और x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 को हम लोग आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी यहां पर हम लोग x एक्सिस बना लेंगे एंड देन y एक्सिस बना लेंगे। यहां पर x एक्सिस का नाम दे देंगे x डैश ओ एक्स, वाई एक्सिस का नाम दे देंगे वाई ओ वाई देश। तो हम लोगों ने नाम दे दिया। अभी एक्स का पॉजिटिव डिरेक्शन में 4 यूनिट्स और वाई का पॉजिटिव डिरेक्शन में 5 यूनिट्स जाना है। तो एक्स 4 यूनिट्स मतलब 1 2 3 4, वाई का पॉजिटिव डिरेक्शन में 5 यूनिट्स मतलब 1 2 3 4 5। अभी हम लोगों को दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है। तो यहां पर हम लोग दोनों पॉइंट को कुछ इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और यहां पर हम लोग नाम दे देंगे ए, इस तरफ दे दिया, और इस तरफ हम लोग नाम दे देंगे बी। नेक्स्ट है हमारे पास x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 मतलब 1 पॉइंट में हम लोगों को लाइन ड्रॉ करना है। तो यहां पर हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर लिया और इसको हम लोग नाम दे देंगे सीडी। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप यहां पर स्केल से ड्रॉ करेंगे तो पूरा स्ट्रेट होगा आपका। देन y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 मतलब ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 2, इसको हम लोग नाम दे देंगे ई एफ। अभी हम लोगों को कॉमन रीजन मार्क करना है, उसके लिए यहां पर हम लोग 0 0 पुट करना शुरू करेंगे। तो पहला इनइक्वालिटी है हमारे पास 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20। तो यहां पर हम लोग जब 0 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 लेस देन इक्वल टू 20। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ओरिजिन की तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ हम लोग मार्क करेंगे। तो ए बी का ओरिजिन की तरफ मतलब इस तरफ हम लोग मार्क करेंगे। सेकंड इनइक्वालिटी है आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसमें हम लोग जब 0 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मतलब सीडी का उल्टा साइड, तो सीडी का उल्टा साइड मतलब इस तरफ हम लोग मार्क करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसमें हम लोग जब 0 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मतलब ये f का उल्टा साइड, ओरिजिन का उल्टा साइड मतलब इस तरफ हम लोग मार्क करेंगे। तो cd का इस साइड, ab का नीचे वाला पर्सन और ef का ऊपर वाला पर्सन, तो कॉमन पर्सन कौन सा आ रहा है? कॉमन पर्सन ये जो पर्सन है, ये पर्सन ही हमारा कॉमन पर्सन है। तो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन रीजन। अभी हम लोगों को लिख लेना है, तो यहां पर हम लोगों को लिखना है। तो यहां पर सारे बात आप बहुत बार आप हम लोगों ने लिखा है, अभी आप आराम से लिख सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके अभी यहां पर सारे बात को लिख लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक जो क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन को यहां पर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक मतलब बाकी जो 6 क्वेश्चन रह गए हैं, उन 6 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।